20 साल हो गए हैं दीदी, बहुत समस्या झेल रहे हैं दीदी। हमारा कोई नहीं सुनता है यहाँ, प्रधान भी नहीं सुनता है, आवाज़ नहीं देता है। बताओ हम क्या करें, किसके पास जाएं, हमारा कौन सुनेगा, हम गरीब हैं, हमारी कोई नहीं सुनता है दीदी। इसीलिए कितनी बार रो रो के दीदी हमने सब किया, अप्लाई भी किया, तब भी हमारी सुनवाई नहीं हुई है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई है ताकि कच्चे मकान व झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले सभी गरीब परिवारों का पक्का आवास बन सके, परंतु बड़े अफसोस की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी के देवा ब्लॉक के ग्राम पंचायत उखड़ी के उखड़ी गांव में सीमा सहित 12 परिवारों के 70 लोगों को आवास न बनने से आज भी झुग्गी झोपड़ी में रहने पर विवश हैं। समस्या दीदी ये है, हमारी यही झोपड़ी है, छप्पर रखा है दीदी, वो भी चूता है, बारिश होने लगती है तो तिरपाल पन्नी डालते हैं दीदी, तब भी नहीं बचा रहा होता है। 5-6 बच्चे हैं हमारे, ईंधन पानी हमारा भीग जाता है दीदी, तो खाना बनाने खाने का नसीब नहीं होता है। हमारे बच्चे सारी रात बैठते हैं, दूसरों के घर जाते हैं, हाथ पांव जोड़ते हैं कि हमको पहुड़ा बैठा लो, तो कोई लोग पहुड़ाते बिठाते नहीं हैं, तो दीदी दूसरे के घर में रहते हैं। और हमारा राशन पानी दीदी सब भीग गया, बारिश में सब सड़ गया, गेहूँ थोड़े थे कोटा के, वही सड़ गए सारे दीदी। अब भूखे हैं, काम भी नहीं लगता है, बारिश होती है हमारे आदमी का, और बच्चे हमारे भूखे रहते हैं, लंग लंग रोते हैं, भटकते हैं दीदी। हम बहुत दीदी समस्या उठा रहे हैं, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। 20 साल हो गए हैं दीदी, बहुत समस्या झेल रहे हैं दीदी। हमारा कोई नहीं सुनता है यहाँ, प्रधान भी नहीं सुनता है, आवाज़ नहीं देता है। बताओ हम क्या करें, किसके पास जाएं, हमारा कौन सुनेगा, हम गरीब हैं, हमारी कोई नहीं सुनता है दीदी। इसीलिए कितनी बार रो रो के दीदी हमने सब किया, अप्लाई भी किया, तब भी हमारी सुनवाई नहीं हुई है। गांव में 10 घर हैं दीदी, लगभग 10-12 घर हैं दीदी। फायदा दीदी होगा, हम सुखी रहेंगे, हमारे बच्चे भी सुखेंगे, सुरक्षित रहेंगे, और अच्छे से बनाएंगे, खाएंगे पेट भर के, और बच्चे भी सोएंगे, हम भी सोएंगे, और हमें अच्छा रहेगा। जब आवास बन जाए दीदी हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, हमको आराम हो जाएगा। समस्या है सर, झोपड़ी में रहते हैं, बारिश होती है तो सब लकड़ी ईंधन भीग जाता है, बच्चों हम लोग यहीं सब चूता है, कपड़ा वपड़ा सब भीग जाता है, कहीं बैठने का ठौर नहीं है, दूसरे के घरों में बैठने पहुँचने जाते हैं। प्रधान लोगों से कहते हैं तो कहते हैं आ जाएगी, आप मिलेगी, तो हम कह रहे हैं जब मिलेगी कब मिलेगी। दिक्कत यही होती है, इसे में लेट पड़ते हैं, दूसरे के घर में भाग के जाते हैं। आवास बन जाएगा तो हमें किसी के घर नहीं जाना पड़ेगा, और अपने घर में सुरक्षित रहेंगे, बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे, परिवार भी सुरक्षित रहेगा। इस वीडियो को बनाने के बाद मीटिंग और स्क्रीनिंग की, ग्राम प्रधान को फ़ोन किया, उन्होंने बताया कि शासन द्वारा अभी कार्य रुका हुआ है, और जैसे ही शासन का आदेश होगा इन लोगों का सूची में नाम डलवाएंगे और आवास दिलाने का प्रयास करेंगे। मैं सुनीला राज, जनपद बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से इंडिया अनहद के लिए।